नमस्कार मेरे साथियों, मैं हूं लोकनाथ और एजी के फिर हम हाजिर हो चुके हैं एक फ्रेश एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास आ गया है एक ऐसा साउंड बार जो कि आपके जो घर है, जो ड्राइंग रूम है, उसको मिनटों में होम थिएटर बना सकता है। क्योंकि ये जो साउंड बार है, ये पहला ऐसा इंडिया का बजट रेंज में आने वाला साउंड बार है जो कि डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं ज़ेब्रोनिस के 9700 डॉल्बी एटमॉस ड्यूक बार की बात टेक बॉक्स हिंदी के साथ। और दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और नोटिफिकेशन को कर लो ऑल पे, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। दोस्तों हमने ज़ेब्रोनिस ज़ेब ड्यूक बार 9700 प्रो डॉल्बी एटमॉस के बेहतर समझ के लिए इस ऑसम साउंड बार के स्पेसिफिकेशन को 10 भागों में बांट दिया है। शुरू करते हैं सबसे पहले ज़ेब्रोनिस ड्यूक बार 9700 के पैकेजिंग से। तो दोस्तों इस भीमकाय पैकेजिंग की डिलीवरी फ्लिपकार्ट की तरफ से लिटरली एक मिनी ट्रक में होती है, जिसको फर्दर अनबॉक्स करने पर ज़ेब्रोनिस का चिर परिचित येलो और व्हाइट की पैकेजिंग देखने को मिलती है, जिसका डायमेंशन 1016x250x456mm की है। सबसे बड़ी बात, ज़ेब्रोनिस के इस साउंड बार के इतने बड़े साइज होने के बावजूद मल्टी लेयर बबल रैपिंग इस पैकेजिंग के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इस इतने बड़े पैकेजिंग को बेहद ही नीट और बेहतरीन शेप में बनाए रखती है। बात करें अगर पैकेजिंग कंटेंट की, तो दोस्तों ज़ेब्रोनिस ड्यूक 9700 की पैकेजिंग में साउंड बार और सबवूफर के साथ एक पावर कॉर्ड, एक RCA केबल, एक ऑप्टिकल SPDIF केबल, वॉल माउंट, यूजर मैनुअल और एक रिमोट देखने को मिलता है, जिस पर हम आगे बात करते हैं। फिलहाल अगर अभी बात करें इस साउंड बार और वूफर के बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों इस ज़ेब 9700 साउंड बार के फ्रंट साइड में बेहद ही प्रीमियम मेटल ग्रिल और पीछे एपिक्स क्वालिटी का पियानो फिनिश मटेरियल देखने को मिलता है, जिस पर ज़ेब्रोनिस की ब्रांडिंग और डॉल्बी एटमॉस का लोगो चेरी ऑन टॉप है। साथ ही वूफर में यूज हुए प्लाईवुड की क्वालिटी भी टॉप नॉच है। नजर डाले ज़ेब्रोनिस ज़ेब 9700 साउंड बार और वूफर के डायमेंशन, वेट और नंबर ऑफ ड्राइवर्स की ओर, तो दोस्तों जहां अकेले साउंड बार का वेट ही 4 kg का है, वहीं सब वूफर वे करता है 4.2 kg, यानी टोटल 8.2 kg। साथ ही 9700 ज्यूक साउंड बार का डायमेंशन 960x83x73mm का है, वहीं सबवूफर का डायमेंशन 190x306x370mm का है। इसके साथ ही ज़ेब्रोनिस के इस साउंड बार में स्पीकर्स का ओरिएंटेशन भी बेहद ही दिलचस्प है, जिसमें हमें फ्रंट में 4 5.71 cm के ड्राइवर्स और अपवर्ड डायरेक्शन की ओर 2 5.08 cm के बेहतरीन ड्राइवर्स देखने को मिल जाता है, जिसका अकेले का ही टोटल आउटपुट 300 वॉट ठहरता है। वहीं सबवूफर में लगे 16.5 cm के ड्राइवर्स का आउटपुट 150 वॉट्स का है, यानी कुल मिलाकर ज़ेब्रोनिस का ये साउंड बार 450 वॉट्स का आउटपुट डिलीवर करता है, जो कि डेफिनेटली यूजर के ड्राइंग रूम को एक सिनेमा हॉल बनाने में सक्षम है। बात करें अगर इस साउंड बार के फंक्शनलिटीज की, तो दोस्तों ये साउंड बार आज के युग के तमाम कंटेम्प्रेरी कनेक्शंस के नीड को फुलफिल करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर यूजर इस साउंड बार को अपने किसी पुराने CD या DVD प्लेयर या TV से कनेक्ट करना चाहता है, जिसमें कोई HDMI पोर्ट या ऑप्टिकल SPDIF पोर्ट नहीं है, तो उसे भी यूजर इस ज़ेब्रोनिस साउंड बार के साथ बेहद ही आसानी से RCA केबल के द्वारा कनेक्ट कर सकता है। एक्चुअली ज़ेब्रोनिस का ये 9700 साउंड बार जहाँ एक तरफ RCA केबल द्वारा ट्रांसमिशन सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ ये ज़ेब ड्यूक 9700 बेहद ही मॉडर्न ऑप्टिकल फाइबर, HDMI, HDMI ARC, USB और यहाँ तक कि लेटेस्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5.0 को भी सपोर्ट करता है। यहाँ हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि ज़ेब्रोनिस बीइंग फर्स्ट इंडियन कंपनी टू अडॉप्ट डॉल्बीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसे डॉल्बी एटमॉस के नाम से भी जाना जाता है, यूजर को फुल डॉल्बी सराउंड एटमॉस एक्सपीरियंस गेन करने के लिए HDMI ARC कनेक्टिविटी को यूज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देना होगा कि यूजर को HDMI ARC यूज करने के लिए उनके TV में भी HDMI ARC सपोर्टेड पोर्ट होना चाहिए, अन्यथा आप सिंपल HDMI से भी इस साउंड बार को अपने पसंदीदा गैजेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और एक नीट एंड क्लीन एंटरटेनमेंट सेटअप के लिए आप 9700 साउंड बार को ब्लूटूथ वर्जन 5.0 से कनेक्ट करके भी एक वायरलेस सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। और वहीं अगर आपके पास कोई प्राइवेट पसंदीदा साउंड कलेक्शन USB पेन ड्राइव में संजोया हुआ है, तो उसे भी आप बेहद ही आसानी से इस साउंड बार के बैक पैनल में दिए गए USB पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। और इन सब मोड्स की जानकारी ये साउंड बार फ्रंट में लगे स्टाइलिश 7-segment LED लाइट से यूजर को दे देता है। कुल मिलाकर इस साउंड बार में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के अलावा 3 HDMI पोर्ट, जिनमें 2 HDMI इन पोर्ट और 1 HDMI आउट विद ARC सपोर्ट, 1 ऑक्सिलरी पोर्ट, 1 SPDIF ऑप्टिकल पोर्ट, 1 USB पोर्ट, 1 सबवूफर आउट और 1 पावर इनपुट पोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करें अब अगर इस बेहद ही बेहतरीन साउंड बार के रिमोट की, तो दोस्तों ज़ेब्रोनिस ने 9700 साउंड बार के रिमोट को बेहद ही सोच समझ के साथ इंडियन कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। दरअसल इस रिमोट में ऑर्डिनरी पावर ऑन ऑफ, म्यूट, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, ट्रैक चेंज और म्यूजिक प्ले पॉज के साथ ही
इंडियन कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए तीन बेसिक क्राइटेरिया को हाईलाइट किया गया है, जिनमें म्यूजिक लिसनिंग, न्यूज वॉचिंग और मूवीज के लिए तीन बेहतरीन डॉल्बी एटमॉस सेटिंग्स इस रिमोट के एक सिंगल क्लिक से अचीवेबल बनाया गया है। है ना सोने पे सुहागा। और दोस्तों यही नहीं, इसके अलावा डॉल्बी एटमॉस 3D साउंड को भी इस रिमोट के एक सिंगल क्लिक से अचीवेबल बनाया गया है, जिसके लिए कंपनी रिमोट की बैटरी भी पैकेजिंग में प्रोवाइड कर रही है। और मान लीजिए कि अगर ऑल ऑफ ए सडन इस रिमोट की बैटरी खत्म हो जाती है और आपके पास भी उस वक्त एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ बैटरीज नहीं पड़ी है, तो ऐसे सिचुएशन में भी यूजर चाहे तो इस साउंड बार के ऊपर दिए गए चार हार्ड कीज से बेसिक ऑपरेशंस को आसानी से एग्जीक्यूट कर सकती हैं, जैसे पावर ऑन ऑफ, कनेक्टिविटी मोड सिलेक्शन, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन। बात करें अब अगर ज़ेब्रोनिक ज़ेब्जुक 9700 साउंड बार के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीमियम फीचर की, तो दोस्तों ज़ेब्रोनिक का ये साउंड बार एज आई सेड अर्लियर इक्विप्ड है डॉल्बी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डॉल्बी एटमॉस से। यहाँ हम आपको बताते चले कि डॉल्बी एटमॉस डॉल्बी EX, डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस, डॉल्बी स्टीरियो, डॉल्बी ट्रू HD, डॉल्बी पल्स जैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर्मेट से कहीं ज्यादा एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें यूजर को केवल राइट और लेफ्ट के ऑडियो चैनल से ही नहीं बल्कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चैनल फॉर्मेट के थ्रू एक ऐसे 3D सराउंड एटमॉस्फेयर का एक्सपीरियंस होता है जो ट्रेडिशनल अन्य डॉल्बी फॉर्मेट से कहीं ज्यादा इमर्सिव और लाइव एक्शन एक्सपीरियंस करवाने वाला होता है। और ज़ेब्रोनिक्स के इस साउंडबार के 21 तारीख को रिलीज होने से पहले इस तरह का डॉल्बी एटमॉस फीचर वाला 450 वॉट का कोई भी साउंडबार की कीमत जस्ट अनइमेजिनेबल थी। चलिए आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं ज़ेब्रोनिक्स 9700 का ये जो साउंड बार है इसका एक छोटा सा साउंड टेस्ट। लेकिन इससे पहले कि हम आगे फर्दर प्रोसीड करें, आपको एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि कोई माइक्रोफोन ये जो डॉल्बी एटमॉस का जो सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस है इसको एक्चुअली कैप्चर करे और आपके हेडफोन तक पहुंचा दे, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। फिर भी हमारी एक छोटी सी कोशिश रही है ताकि आपको रफली एक आइडिया मिल जाए कि 9700 आखिर कैसा साउंड करता है। इसी के साथ हम आ गए हैं इस बेमिसाल ज़ेब्रोनिक साउंड बार के खूबियों के नौवे पड़ाव पर, जहां पर यूजर अपने ड्राइंग रूम या एंटरटेनमेंट एरिया को इस साउंड बार के साथ दिए गए माउंटिंग ब्रैकेट और स्क्रूज की मदद से बेहतरीन नीट और क्लीन मिनिमलिस्टिक लुक दे सकता है। कुल मिलाकर इस बेहद ही बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर ट्रिबल के साथ जस्ट अनइमेजिनेबल बेस वाले इस साउंड बार ने टेस्टिंग के दौरान हमारे स्टूडियो के फर्नीचर और खिड़कियां तो हिला ही दिया है, और हमारा पूरा विश्वास है कि ये साउंड बार आपके ड्राइंग रूम को भी मिनटों में होम थिएटर बना देगा। कुल मिलाकर तमाम तरह के कनेक्टिविटी ऑप्शन से लैस इस बेहद ही प्रीमियम डॉल्बी एटमॉस 3D सराउंड साउंड बार को फ्लिपकार्ट से 17,999 रुपीज में खरीदा जा सकता है, जो कि एक साल की वारंटी के साथ भी आती है। और हमारी दृष्टि में ये जस्ट अनबिलीवेबल है कि 440 वॉट के साथ डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला कोई साउंड बार इस रेंज में मार्केट में आज उपलब्ध हो चुका है। और ज़ेब्रोनिक्स ज्यूक 9700 का सीधा टक्कर होने वाला है JBL, सोनी और सैमसंग जैसे ब्रांड से, क्योंकि इन कंपनीज के साउंड बार जो कि इसी कॉन्फ़िगरेशन में आती है का प्राइस बेहद ही ज्यादा है। दोस्तों इसी के साथ आशा है आपको हमारा ये बेहद ही मेहनत और प्यार से बनाया हुआ एपिसोड भी आ गया है पसंद। अगर आ गया है तो प्लीज हमें एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से जरूर नवाजिएगा। और इस एपिसोड को पोस्ट करने के बाद 2 घंटे तक हम ऑनलाइन भी हैं आपके हर कमेंट का फटाफट रिप्लाई देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ बेहद ही बेहतरीन व दिलचस्प गैजेट्स के साथ। तब तक रखिए इस लॉकडाउन में अपने आप को सेफ, और अपने गैजेट को मत करना भूलिएगा सैनिटाइज। हैप्पी गैजेटिंग। रुको मैं वीडियो करता हूँ, तुम क्या कर रहे हो कैमरा के पीछे?
ये नॉटी नॉटी हरकतें।